नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सलोनी और आज मैं दोबारा आप सभी के सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप प्रीमियर प्रो के अंदर क्रोमा की कैसे यूज़ कर सकते हो, जो हम काइन मास्टर के अंदर यूज़ करते हैं उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि प्रीमियर प्रो वैसे तो एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अगर आप एक बार सीख जाते हो प्रीमियर प्रो को तो उससे बेस्ट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो आज मैं बताता हूँ आपको एक सिंपल स्टेप के थ्रू कि आप क्रोमा की को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें बताने वाला हूं। तो अभी हम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए। यहां पे हमें सीधा प्रीमियर प्रो के अंदर जाना है। प्रीमियर प्रो को हम ओपन करेंगे। हमें कोई भी ग्रीन स्क्रीन वाली फाइल ले लेनी है। यहां से हम एक ग्रीन स्क्रीन वाली फाइल ले लेंगे और एक हमें बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, जो भी हम बैकग्राउंड यहाँ पे लगाना चाहते हैं कोई भी। जैसे ये बैकग्राउंड अगर हमें लगाना है तो हम ये बैकग्राउंड ले लेंगे। उसके बाद हमें बैकग्राउंड को यहाँ पे डालना है, बैकग्राउंड आ जाएगा। उसके बाद हमें अपनी वीडियो को इस बैकग्राउंड के ऊपर डालना है यहाँ पे, और जैसे ही हमारी वीडियो आ जाएगी उसके बाद हमें यहाँ से जाना है इफेक्ट्स के अंदर। जब हम यहाँ से इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो अभी यहाँ पे हमें सर्च करना है की अल्ट्रा की, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। की हम सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, ये हमारा यहाँ नीचे अल्ट्रा की आ गया है। हमें अल्ट्रा की को यहाँ से उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे अपने वीडियो के ऊपर, और इतना करने के बाद आपका यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में यहाँ पे अल्ट्रा की आ जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे अल्ट्रा की आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ से इसको पॉइंटर को उठाना है, और सेलेक्ट करते ही आपका आपको इस पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाना है। आपको उठा के नहीं लेके जाना, आपको इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और फिर पॉइंटर को यहाँ लेके जाना है। यहाँ लेके जाके जैसे ही आप इस पॉइंटर को छोड़ दोगे तो आपका यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन शुरू हो गई है। अब जैसे ही आप अगर ये वीडियो शुरू करोगे तो इस वीडियो में अगर आपको ग्रीन स्क्रीन देखनी है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये देखो हमारी पहले ग्रीन स्क्रीन नहीं थी। मैं आपको विदाउट ग्रीन स्क्रीन दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से हमारी ये वीडियो फोटो चली गई है, हम यहाँ पे फोटो रख देते हैं। ये हमारी ग्रीन स्क्रीन है, और यहाँ से अगर हम क्रोमा की को ऑफ कर देंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और जैसे ही हम क्रोमा की को ऑन कर देंगे यहाँ से तो हमारी ये ग्रीन स्क्रीन बन जाएगी। और इसमें आपको बहुत ही बढ़िया इफेक्ट मिलेगा। काइन मास्टर के अंदर आपको कलर सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये अपने आप कलर को उठा लेता है और सेलेक्ट कर देता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको क्रोमा की को यूज़ करना है, क्योंकि अभी मैंने भी यहाँ पे क्रोमा की यूज़ कर रखी है और इसको कैसे कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें आपने सीख ही ली वीडियो में। तो अब आप कहीं पे भी खड़े होके कुछ भी बैकग्राउंड चेंज करके और कुछ भी दिखा सकते हो। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।